हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया वेज एंड नॉन वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स, हम सभी को पाव भाजी तो बहुत ही पसंद है, और बाज़ार में मिलने वाली जो तवा वाला होता है टेस्ट, आज उसी टेस्ट को हम घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं पाव भाजी और जान लेते हैं इसी कुछ सामग्री के बारे में और ये कैसे बनता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम पाव लेंगे और यहाँ पर लेंगे कुछ सब्जियों को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी भी सब्जी को या तो आप स्किप कर सकते हैं या तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आपके परिवार के सदस्य हों उस हिसाब से आप सब्जियों को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने फूल गोभी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को लिया है, शिमला मिर्च लेंगे एक, चार हरी मिर्च, तीन टमाटर, हरी धनिया और दो प्याज लेंगे, तीन बड़े साइज के आलू लेंगे, दो गाजर और आधा बीटरूट यानी कि चुकंदर को लेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा फ्रेंड कि आप कोई भी सब्जी को स्किप भी कर सकते हैं। 250 ग्राम लेंगे फ्रेश मटर, सब्जियों को इस तरह से हमने काट लिया है और शिमला मिर्च को बारीक चॉप किया है। देखिए, चुकंदर, प्याज और धनिया को भी काट लिया है, हरी मिर्च, आलू, टमाटर को भी काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा, पाव भाजी मसाला, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेंगे और थोड़ा सा बटर लेंगे, एक नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब एक कुकर को रखेंगे गैस पर और उसमें तीन चार चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने पर जीरा डाल देंगे और जीरा थोड़ा सा भून जाए उसके बाद डालेंगे एक चम्मच पाव भाजी मसाला और गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे। बस जैसे ही हम डालेंगे मसाले को, कुछ सेकेंड, दो चार सेकेंड बाद हम डाल देंगे सब्जियों को। टमाटर को छोड़कर हम सारे सब्जियों को डाल देंगे, जैसे कि आलू, गोभी, गाजर, चुकंदर, मटर और उसके बाद एक चम्मच नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद इसको हम तीन चार मिनट के लिए ऐसे ही हम भून लेंगे। क्या होता है ना कि बहुत लोग सब्जियों को भूनते नहीं है, डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, वैसे क्या होता है ना, जो सब्जियों का टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, इसलिए हम सबसे पहले इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने अभी नहीं डाला है, और टमाटर को डालने के बाद भी हम इसको 2-3 मिनट तक भून लेंगे, अच्छे से भून जाए उसके बाद हम पानी का यूज़ करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, सब्जियाँ अच्छी तरह से भून चुकी हैं, अब इसमें 1 गिलास हम पानी डालेंगे और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम कुकर में सब्जियों को बॉईल करेंगे यानी पकाएंगे, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब्जियों में पानी और लगेंगे बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करने के बाद इसको हम बस 1 से 2 सीटी लगा देंगे। 2 सीटी लग चुका है, अब उसको ऐसे ही गैस को बंद करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब एक तरफ गैस पर रखेंगे कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई लेंगे फ्रेंड्स और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसके साथ ही 2 चम्मच बटर डालेंगे। दोनों का यूज करेंगे, बटर से फ्लेवर आएगा और बटर जलेगा नहीं ऑयल से। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगे उसमें डालेंगे शिमला मिर्च बारीक चॉप किया हुआ और साथ ही में डाल देंगे प्याज कटा हुआ और गैस का फ्लेम एकदम हाई कर देंगे। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाए। प्याज भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, अब इनमें डालेंगे सारे मसालों को, 1 चम्मच नमक, पाव भाजी मसाला यहाँ पर हम 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी 1 चम्मच, हाथों से ऐसे थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे, धनिया की पत्तियाँ 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पर भूनेंगे। बस मसाले भून जाने चाहिए, मसाले भून चुके हैं, अब इसमें खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए नींबू का रस डाल देंगे, आधा नींबू का रस है। अब मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इन्हें डालेंगे हम आधा गिलास पानी। पानी हमें एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना है क्योंकि अभी हमने जिसमें कुकर में सब्जियाँ पकाई हैं उसमें भी पानी है। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं, कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब इसके ढक्कन को ओपन करेंगे। सब्जियां पूरी तरह से गल चुकी हैं, पक चुकी हैं, अब इन सब्जियों को सीधे उठाकर हम तड़के में डाल देंगे। इस तरह से कुकर में सब्जियों को पका लेने से बहुत ही आसान हो जाता है हमारा काम।
अब इस स्टेप पे हम सब्जियों को मैश करेंगे और पकाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसीलिए हमने पहले पानी बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया है क्योंकि सब्जियों को मैश करने में बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर पानी ज़्यादा है तो पहले हम पानी को थोड़ा सुखा लेंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैशर से बहुत ही आसानी से हमारा सब्जी मैश हो जाएगा। या तो ये नहीं है तो आप कलछी से भी कर सकते हैं या चम्मच से, आपको जैसे भी आसानी हो। देखिए, सब्जियों को पकाते हुए हमने मैश करना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे सब्जियां इनमें गायब हो जाएंगी, एकदम घुल मिल जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड, सब्जियों में अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है, अब अच्छे से मैश हो चुकी हैं सब्जियां। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है तो इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, कभी भी ठंडा पानी नहीं डालेंगे, पानी गर्म करके ही डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा पहले पानी हमने डाला है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको। इस तरह का कंसिस्टेंसी रहेगा कि जैसे कि हम पाव को इसमें डिप करें तो बहुत ज़्यादा सूखा भी ना लगे और बहुत ज़्यादा पानी भी ना रहे इसमें। भाजी बनाने के बाद भी अगर बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें गर्म पानी का यूज करें, एकदम सही हो जाएगा। अब गैस को बंद कर देंगे, ढक्कन लगा देते हैं। अब चलिए तवा रखते हैं और तवे पर पाव को सेक लेते हैं। गैस पर रखेंगे एक तवा, गैस का हाई फ्लेम कर देंगे। एक चम्मच बटर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और उसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हरा धनिया डालेंगे और उसमें जो हमने भाजी बनाकर तैयार किया है उसको डालेंगे। जैसा कि हम लोग मार्केट में खाते हैं, हम लोग देखे हैं कि दुकान वाले भैया उसी पर भाजी बनाए रहते हैं और उसी पर ही हमें पाव को सेक कर देते हैं, तो वही फ्लेवर लाने के लिए हमने ऐसा किया है। अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर को ही डालकर पाव को सेक कर आप भाजी के साथ खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, चारों तरफ से हमने मसालों को फैला दिया है। अब लेंगे पाव को, बीच से ऐसे कट करके सेक लेंगे ताकि पाव हमारा अलग से सूखा सूखा सा ना लगे, बिना फ्लेवर का ना लगे, इसमें भी फ्लेवर चला जाए। और देखिए, इसी तरह रगड़ते हुए हम दोनों तरफ से आराम से सेक लेंगे। दोनों तरफ से हम पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से थोड़ा प्रेस करते करते सेक लिया है हमने। अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार है, इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, भाजी भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी इसलिए हमने इसको गर्म कर लिया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब भाजी के ऊपर कटा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे एक चम्मच बटर। फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा, आपका मन करेगा कि फिर मैं दोबारा खाऊं। सो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अभी तुरंत कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।